अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स, मैं आप सबको खुशामदीद। तो यार आज हम बना रहे हैं मिर्चें और सफेद हरी भरी मिर्चें आज हम बना रहे हैं, यानी कि मसाले से मसाले वाली मिर्चें, जिन मिर्चों में मसाला भरा जाता है ना, जो खाते हैं तल के, वो आज हम बनाएंगे। तो अब ये यहाँ पे जो है हमने जो उसमें जो डालने का था, जो मसाला था, वो हमने इसको पीस लिया है, इसको बारीक पीस लिया। इसके बाद इसमें लेमन जूस मिलाऊंगी, ठीक है। पीसने के बाद जो है इसमें लेमन भी ऐड होंगे। तो अब यहाँ पे जो है कि इस तरह कटिंग की जा रही है, बीच से आपने इसको काट लेना है। असल में डंडियाँ भी होती थी, हमने डंडियाँ निकाल के रखी थी ना आगे से, ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसके से इनकी डंडियाँ नहीं है, डंडियों से महरूम है बेचारी, चाहे तो किसी से बीज बीज के निकाल सकते हैं ऐसे करके ना, इसे छुरी से मदद से। तो थोड़े बीज आपकी मर्जी है, आप इस पे रहने दें या थोड़े बहुत निकाल दें, या आपकी अपनी मर्जी है। तो अभी यहाँ पे सारा मसाला इनमें लगाया जा चुका है और ये रख दी गई है यहाँ पे, किस तरह इतनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी होती हैं ये, बहुत मज़ा आता है इनको खाने में ना, बहुत ज़बरदस्त होती हैं ये। तो अब उसके बाद फिर यहाँ पे हमने तलना शुरू कर दिया है। तो अब धागा इनके ऊपर इसलिए बांध लगा है ताकि ये कि खुल ना जाए तलने में ना, इनका जो मसाला है ये बाहर ना आ जाए, इस वजह से इसमें धागा लगाया गया है। तो अब यहाँ पे ये पूरी तैयार हो चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही हैं। तो बहुत मुझे तो मेरी तो ये बहुत फेवरेट हैं और ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ घर में। और यहाँ पे हमारे पास थे अलसी के बीज, ये बहुत फ़ायदे के होते हैं, अगर सुबह आप इनको नहार मूद खाएं तो इनके बहुत फ़ायदे हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, ओमेगा 3 होता है, फाइबर होता है, बस खोरमा इतनी अच्छी महक आ रही है खोरमे की। क्या क्या चीज़ है इसमें? शुरू करूँ क्या बोलना? हाँ बोलो। क्या बोलूँ? बारी बारी कौन सा थी, पहले ये दिखा? पहले बस प्लान वाइन करके बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद मेरे चैनल पर, आप सबको खुशामदीद। आज एक छोटी सी शॉपिंग की है तो उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और देख के बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसी लगी। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये फूलों की बेल है सजावट के लिए, इस तरह से फूलों की बेल। अच्छा ये भी छोटा सा है, गुलदस्ता है, ये है गुलदस्ता, इस तरह से ये भी फूलों का। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये फूलों का, ये ट्यूलिप है या गुलाब है, क्या खास है, ट्यूलिप है शायद, ये अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया। इसको यहाँ रख देते हैं, ये रोटी रखने के लिए। ये थाली है स्टील की, मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है। और ये दो प्याले हैं कुछ भी इसमें निकालने के लिए, दाल निकालने हो या कोई भी चीज़। ये स्टैंड है, स्टैंड ना, हाँ, क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं है, सिलेंडर की गैस इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर जैसे नीचे कुछ ब्लैक काला वाला खुच जाती, कार्बन जम जाता है, तो उस वजह से हम इसके ऊपर रखते हैं बर्तन को, तो उससे होता है कि सिल आपका जो स्लेप है वो काउंटर आपका टॉप खाली वो ख़राब नहीं होता, यानी कि उस पर काला नहीं लगती है। इसके लिए ये हो गया, ये मैं डिफ्यूज़र के ऊपर लगाने के लिए छोटा प्लास्टिक लिया है, ये इस तरह का है। प्लास्टिक है ना,
हाँ डिफ्यूजर को कवर करने के लिए लगाते हैं हम लोग, जैसे उसका मुझे प्रिंट अच्छा लगा क्योंकि मेरे ख्याल से यूँ होगा सीधा अच्छा होगा ना। ये मैंने ले लिया था, इसका डिफ्यूजर का जो कवर होता है वो तो सेफ रहता है। और ये जो ये मसाले रखने का बॉक्स है खोल के दिखाएं, ये एक सीजर भी लीजिए तो इसी से इसको काटते हैं खोलते हैं इसको। ढक्कन भी टाइट है, काफी जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हुआ है। ये देखिए इसके अंदर सभी खाने बने हुए, इसमें से निकल भी जाते हैं, ये निकल आते इसको हैं। निकाल भी सकते हैं ये अलग तो है। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ये सहूलत हो जाती है इससे, एक मसाले एक जगह हो। अब इसमें हम ड्राई मसाले भी रख सकते हैं और पाउडर फॉर्म में जो होते वो भी रख सकते हैं, जो भी रखना चाहे। उसका मतलब ढक्कन बहुत अच्छा है या टाइट है, यानी कैसे मसाले इसको सेफ रहेंगे, हवा नहीं जाएगी इसके अंदर। इसलिए ये हो गया, और ये एक खूंटी ली थी है ये किचन में लगाने के लिए, ताकि इस पर मुख्तलिफ स्पून वगैरह जो है आप इस पर आप टांग सकते हैं। इसके लिए अच्छी लगी मुझे, ये ले ली थी। एक ही छोटा साइज का जग है पानी वानी डालने के लिए खाना पकाते वक्त, या आटा वगैरह गूंदने के लिए, तो इसके लिए स्मॉल। ये मुझे अच्छा लगा, ये मैंने ले लिया। तो ये तो साबुनदानी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, साब सोप होल्डर। हाँ ये क्या है, स्क्रैपर। ये स्क्रैपर है, ये चीज़ देती थी। और एक चीज़ और है, आप भूल गई, मैं ज़्यादा जैसे ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती हूँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि अच्छी चीज़ हो और कम प्राइस में मिले। वो ये एक शर्ट का पीस लिया है, ये कपड़ा था, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। अच्छा, और एक जो है ये सारी चीज़ों को उसके हिसाब से ये टोया नासिक के हैं, ये छह पीस हमने उनको निकाल के दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, हमारे पास पहले ही थे तो आस्ते आस्ते करके सब टूट गए, तो फिर मुझे मैं ये दूसरी आप दूसरे डिज़ाइन के लाई हूँ, पहले दूसरे डिज़ाइन के थे तब मैं ये लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। सही, तो बस ये छोटी सी शॉपिंग थी है, मैंने शेयर की है, आप लोग देख के बताइए कैसी लगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। फूल भी लाल है ना, और इसके साथ एक लाल बटन होता है, इसको आप ग्रे कर सकते हैं, वो हमारा सब्सक्राइब बटन है।